हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू, आप देख रहे हो जीतू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास है ओप्पो A59 5G स्मार्टफोन है, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं स्मार्टफोन आपको कैसा लगा। और ये स्मार्टफोन ओप्पो ने 15,000 में आपको लॉन्च किया है। 4GB रैम के साथ 128GB रोम आएगा और 4GB रैम आएगा और 6GB रैम और 128GB रोम 16,000 में रहेगा। काफ़ी लो प्राइस में ओप्पो ने फर्स्ट स्मार्टफोन बाइक लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। सरोज का अनबॉक्सिंग करते हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, जरूर बताएं स्मार्टफोन आपको कैसा लगा। स्लो A59 का अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है ओप्पो A59 स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है। ऊपर से आपको बॉक्स इस तरह से मिलेगा, जैसे भी आपको देखा है तो साइड में आपको 90Hz इसका सनलाइट डिस्प्ले रहेगा। आपको 33W सुपर वॉक चार्जर रहेगा, 5000mAh का लॉन्ग बैटरीज रहेगा। आपको 300% वॉल्यूम एक्स्ट्रा मोड मिलेगा, 300% आपका वॉल्यूम अप तक मिलेगा इसके बाद। और भी पीछे की तरह देखा है तो आपको 4GB रैम और 128GB रोम रहेगा। इसमें दो वेरियंट आपने लॉन्च किया है, एक 6GB रैम 128GB, एक 4GB रैम और 128GB। 4GB रैम का 15,000 रेट है और 6GB रैम का 16,000 इसका लॉन्चिंग प्राइस है। और भी दो कलर में लॉन्च हुआ, एक ब्लैक कलर, एक गोल्ड कलर, सिल्क गोल्ड कलर एक और ब्लैक कलर, मैंने गोल्ड कलर में बाय किया था। और भी स्मार्टफोन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से किस तरह रहेगा बता देता हूँ। सबसे पहला फेस रहेगा, इसमें आपको क्या रहेगा बता देता हूँ। एक आपको केस रहेगा, काफ़ी सॉफ्ट केस रहेगा, काफ़ी अच्छा है, फोन प्रोटेक्शन केस रहेगा। और भी आपको यूजर मैनुअल रहेगा, एक आपको पिन रहेगा आपको सिम एडेप्टर निकालने के लिए। और भी फाइनली हमारा स्मार्टफोन रहेगा, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और भी नीचे क्या वो भी देख लेते हैं। जैसे टाइप सी आपको डाटा केबल्स मिलेगा, एक आपको 33W का सुपर वॉक चार्जर मिलेगा, 33W का सुपर वॉक चार्जर मिलेगा स्पीड वाला। जैसे देखा था ये फाइनली हमारा स्मार्टफोन है, जो ऊपर भी काफ़ी सारा लिखा हुआ रहेगा, 90Hz सनलाइट डिस्प्ले रहेगा, 33W सुपर वॉक चार्जर रहेगा, 5000mAh लॉन्ग बैटरी रहेगा, 300 अल्ट्रा वॉल्यूम मोड इसमें आपको स्मार्टफोन में मिलेगा। और भी हम स्टिकर को हटा लेते हैं। जैसे साइड में देखा तो आपको एक फिंगरप्रिंट मिलेगी, फिंगरप्रिंट बटन्स रहेगा। और पीछे की तरह आपको एक माइक्रो कैमरा रहेगा, मेन कैमरा रहेगा, आपको फ्लैश लाइट रहेगा। और जैसे डिजाइन देखा था आपको 79 की तरह, या पीछे की तरह आपको डिजाइन मिलेगी। और कलर की बात किया, कलर गोल्ड कलर में मैंने बाय किया, सिल्क गोल्ड कलर में बाय किया था। जैसे पीछे की तरह का आपको फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा कलर आपको लगेगा, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड में आपको दो बटन्स मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन करेगा, यहाँ पे सिम एडेप्टर्स रहेगा। और नीचे की तरह देखा था आपको टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट रहेगा, स्पीकर्स रहेगा, ये आपको माइक रहेगा, ये 3.5 जैक आपको मिलेगा। और भी सबसे पहले हम स्मार्टफोन को ऑन कर ले रहे हैं, साइड का बटन प्रेस करके ही आपका स्मार्टफोन ऑन हो जाएगा। जैसे देखा था हम फटाफट स्मार्टफोन को सेटअप कर लेते हैं, फटाफट सेटअप कर लेते हैं। और भी डायल पैड का देखा था, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, एकदम स्मूथ टच वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टच के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ टच वर्क करेगा। और भी डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले आपको 90Hz डिस्प्ले रहेगी और ये सनलाइट डिस्प्ले रहेगा, काफ़ी अच्छी बात है। और भी OS देखा था, कलर OS रहेगा, 13.1 इसका वर्जन रहेगा, वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। और डिवाइस डैम A59 5G रहेगा, स्टोरेज 128GB रहेगी। और ये प्रोसेसर आपको Dimensity 6020 ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर रहेगा, 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी रहेगा। स्क्रीन साइज देखा था 16.66 cm इसका स्क्रीन साइज रहेगा।
और ये 4+4 GB इसका रैम मिलेगा। इसका फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल देगा, आपको रियल कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल देगा और माइक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल इसका कैमरा रहेगा। और भी हम फटाफट चेक कर लेते हैं इसका फिंगर का रिस्पॉन्स कैसा, वो भी हम फटाफट चेक कर लेते हैं। और भी देख ले फिंगर का रिस्पॉन्स कैसा है, देख चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये लॉक किया, जैसे टच करेंगे आपका लॉक ओपन हो जाएगा। काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है, फिंगर का रिस्पॉन्स भी काफ़ी मस्त है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे नॉर्मल टच करेंगे तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कैमरा मोड में देखा था, कैमरा मोड में कैसा रहेगा बता देते आपको, क्या क्या मोड मिलेगा। नाइट मोड्स रहेगा, एक आपको वीडियो का रही रहेगा, एक फोटोज़ का रहेगा, एक आपको पोर्ट्रेट कैमरा का रही रहेगा। और मोड में आपको एक प्रो रहेगा, एक्स्ट्रा HD रहेगा, पेनो रहेगा, स्लो मोशन रहेगा, टाइमलेस रहेगा, स्टिकर्स रहेगा और टेक्स्ट स्कैनर भी इसमें आपको ये मिलेगा। इतने आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। और भी हम उसका कैमरा का क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, इसका कैमरा कैसे है चेक करके आपको फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी देखा था हमारे फोटो भी मैंने कैप्चर किए, ये मैंने सेल्फी से लिया है, ये दोनों सेल्फी से फोटो लिया है और ये रियल कैमरे से मैंने वीडियो लिया है और ये मेन कैमरे से मैंने कैप्चर किए फोटो। काफ़ी अच्छे फोटो आ रहे हैं। कैमरा का 13 मेगापिक्सल है, इतना भी अच्छा नहीं आ रहा, पर नॉर्मल में चलता है, ज़्यादा इतना भी अच्छा नहीं आएगा पर नॉर्मल कैमरे में चलता है, 15,000 में इतना। और भी देखा टच का रिस्पॉन्स काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा रहेगा, 300% इसका वॉल्यूम रहेगा, काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपको वॉल्यूम में, काफ़ी हाई वॉल्यूम रेंज मिलेगा आपको। थ्री हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम इसका आप कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सीनियर सिटीजन के लिए भी लेना हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसका वॉल्यूम काफ़ी लाउडली आएगा, इसके लिए उनको सुनाई देने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी ऐसा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा है, आप इजी से कैरी कर सकते हो, ज़्यादा वेट भी नहीं, एकदम लाइट वेट में मिलेगा और लो प्राइस में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, 15,000 में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, ओप्पो ने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है।